अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स हम कह सकते हैं कि आज कुछ कंसोलिडेट होते हुए या फिर सस्टेन होते हुए दिखाई दिए। मंडे के दिन से मार्केट के अंदर एक एनर्जी देखी जा रही है, डे ट्रेडर की पार्टिसिपेशन देखी जा रही है, और आज के दिन भी हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुक किया गया जिसका इम्पैक्ट मार्केट ने बड़ा हेल्दी लिया। और फाइनली वो जो एक वॉल्यूम्स में हम कह सकते हैं बढ़ाव देखा जा रहा है या वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, वो मार्केट के लिए बहुत हेल्दी साइन दिखाई देता है, क्योंकि वो एक लैक लस्टर बिहेवियर काफ़ी अर्से से था जिसके बाद अब मार्केट के अंदर एक्टिविटीज डेली बेसिस पे शुरू हो गई है। रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से बात की जाए तो एक अच्छी चेंज वहां भी देखी जाती है, रुपी की एप्रिसिएशन देखी जा रही है, मार्केट के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इकोनॉमिक एक कॉन्फिडेंस है वो मार्केट के अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अब जो है वो चीज़ें सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी अर्से से वेट किया जा रहा था, अब एक जो एक इशू है FATF के हवाले से वो हम कह सकते हैं कि वो भी सेटल होना या टैकल होना बाकी है, अदरवाइज काफ़ी चीज़ें जो है वो अपने रिदम मेंटेन करते हुए दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं रुपी और डॉलर के पैरिटी के हवाले से। जो एप्रिसिएशन रुपी की देखी जा रही है और डॉलर के बाद एक कंटिन्यूस डेप्रिसिएशन के बाद अब जाके एप्रिसिएशन देखी गई है। ये भी कहा जा रहा था कि 200 जो है वो हो जाएगा रुपी डॉलर के अगेंस्ट, लेकिन अब सारे एनालिटिकल व्यू जो है वो सेट असाइड हो चुके हैं और अब ये देखा जा रहा है कि फाइनली रुपी एक मुस्तहकम होते हुए मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये भी अब हम कह सकते हैं एनालिसिस हमारे पास मौजूद है कि 160 पे जाके जो है वो इसकी एप्रिसिएशन यानी कि रुपी जो है वो एप्रिशिएट होगा और डॉलर जाके वो रुकेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स या फिर बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी हैप्पी दिखाई देती है। तो ये आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले। इसके साथ साथ मूडीज इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी की जानिब से कुछ बातें की गई हैं। कुछ कहा गया है कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ जो है वो 3-4% दिखाई दे रही है, बैंक्स की जो एक रेटिंग है उन्होंने स्टेबल करार दी है। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें उन्होंने प्रिडिक्ट की हैं। पोलिटिकली उन्होंने कहा है कि जो इश्यूज हैं वो इकोनॉमी पे बहुत जो है वो इकोनॉमी को हर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो इन्होंने एक जो टॉपिक रखा है हमने आज का वो यही रखा है कि मूडीज हाईलाइटेड पाकिस्तान्स पॉलिसी कंटिन्यूटी इन डाउट अमिड पॉलिटिकल टर्मोइल। इट मींस के पॉलिटिकल टर्मोइल हमेशा से, जब से आपको याद होगा चाहे आप 1980s से बात करें, जब जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है इकोनॉमी हर्ट होती है। तो यही रीज़न है आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिकल टर्मोइल में फंस के इकोनॉमी को जो है वो हर्ट करता है, कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी या फिर पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी क्यों नहीं होती, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ न्यू गवर्नमेंट जो आई है उसमें काफ़ी ऑब्वियसली चैलेंजेस मौजूद थे और हैं भी, और इनको टैकल करने के लिए अब एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट है तो इनको ज़्यादा अंदाज़ा होना चाहिए और होता है कि आने वाले दिनों में क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो उनको कैसे कैसे जो है वो टैकल किया जाएगा, कैसे कैसे उनसे जो है वो निपटा जाएगा। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं और न्यू इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि आप जब कोई जगह जाते हैं तो आपके कोई न्यू प्लान्स होते हैं, तो क्या प्लान्स होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको शामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चुनाय साहब, आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं शम्सुल इस्लाम साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे जुल्फिकार अली बदर साहब, ओवरकॉल आप स्पोक्स पर्सन हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं चुनाव साहब से। और चीज़ें चुनाव साहब एक मेस की तरफ दिखाई दे रही थी, पॉलिटिकल टर्मोइल देखा जा रहा था, एक हर जगह एक कैओस, एक नेगेटिविटी और शोर शराबा देखा जा रहा था पाकिस्तान के बारे में, चाहे हम लोकली बात करें तो ये एक चस्का सा लग गया था लोगों को क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में। तो अब जबकि ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं और अब फाइनली हमारे पास एक क्लैरिटी आ गई है, तो बिजनेस कम्यूनिटी कहाँ खड़ी है और कैसे देख रहे हैं आप इन चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है उसमें अब एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आती है। लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि इस वक्त जो हालात हैं वो ये कह रहे हैं कि जी तमाम जो डायनामिक्स हैं वो सही सिंध में चलेंगे, और उसका इंटेंशन ऑलरेडी नए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया है। और मैं समझता हूँ उनके जो करीबी स्पोक्समैन हैं उन्होंने भी इस अंदेशे का इजहार किया है कि जी हम इकोनॉमी को सही ट्रैक पर लेके जाएंगे। और जो पॉजिटिविटी है
वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। देखिए दो तीन चीज़ें हैं, जब आपने बात की अनसर्टेनिटी की, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी थी कि लोगों को ये नहीं पता था कि अगले लम्हे क्या हो जाएगा, और तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, जुडिशरी पे भी बात हो रही थी, जुडिशरी के डिसीजंस पे भी बात हो रही थी, इसके बाद हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके किरदार पर भी बात हो रही थी। मैं बिल्कुल फ्रेंक ओपिनियन अपना दे रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ सब ने जो है वो एक ऐसा फैसला किया कि जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी विन विन पोजीशन है। मैं पाकिस्तान की मईशत की बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान की मईशत अगर सही ट्रैक पे चलेगी तो गवर्नमेंट भी जो है वो सही ट्रैक पे चल सकती है। जो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये तो एक पॉलिटिकल इशू था जो फाइनली कंक्लूड हो गया दो रोज़ पहले, और उस कंक्लूजन में मैं समझता हूँ ये द अल्टीमेट विनर्स आर द पाकिस्तानी पीपल। हम डॉलर की उड़ान देख रहे थे कि डॉलर 180 से जो है वो 200 रुपए की उड़ान पे करीब पहुंच गया था, अब दोबारा जो है वो हम 181-182 के रेंज में आ गए हैं, और वो रेंज बाउंड जो है वो मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में एक बड़ी सॉलिड इम्प्रूवमेंट है। स्टॉक मार्केट बेड़ा गर्क था, रोज़ाना नेगेटिव था, रोज़ाना जो है वो मैं समझ रहा हूँ कि वॉल्यूम भी नहीं था, और लोगों का एक इंटरेस्ट नहीं था कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ हमें हमारे मुल्क पे एक भरोसा होना चाहिए कि इट्स अबाउट द होल ऑफ द नेशन, कि हमारी पूरी नेशन जो है वो एक बड़ी रेजोल्यूट नेशन है, और जब ये सारे फैसले हो गए, नई गवर्नमेंट इन प्लेस आ गई, तो आपने ये देखा कि दो दिन में एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। मतलब कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि 10-12 रुपए डॉलर जो है वो दोबारा जो है वो अप्रिशिएट हो जाएगा, और जो उसका आपको याद होगा मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा ये कहता था कि डॉलर का जो सही रेट है इट्स एनीवेयर बिटवीन 150 एंड 160, और चूंकि हालात इस तरह थे हम ये प्रेशर की वजह से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बस ये प्रेशर की वजह से डॉलर बढ़ता रहा, डिवेल्यूशन होती रही, और हम 190 भी क्रॉस कर रही है, 195 की बॉर्डर्स को छू रहे थे, और कहीं तो ओपन मार्केट में जो है वो 195 से ऊपर भी बात हो रही थी। लेकिन दो रोज़ के अंदर जो है वो जब लोगों को पता चला कि जी नई गवर्नमेंट इन प्लेस है, अच्छा जो नई गवर्नमेंट है वो हमेशा बिज़नेस फ्रेंडली गवर्नमेंट रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हमेशा उन्होंने आके बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो है वो इंसेंटिव्स की बात की है, इंसेंटिव्स इस सेंस में कि इकोनॉमी ग्रो करे। जब पिछली गवर्नमेंट ने छोड़ा था तो वो वेल ओवर 6 पे छोड़ा था, और फिर हमारा GDP जो है वो कम होता गया, और फिर हम इस साल बात कर रहे थे कि 4.9 से शायद दोबारा हम 6 पे आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जो हम देख रहे हैं कि आगे हमारा GDP की ग्रोथ जो है वो बेहतर तरीके से चली जाएगी। इसके बाद एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले 2-3 साल में जो है वो बढ़ना शुरू हुई हैं। मैं समझता हूँ कि इस साल रिकॉर्ड जो है हमारी टेक्सटाइल की ग्रोथ आई है, और बाकी चीज़ों में भी ग्रोथ आई है, हमारी IT की ग्रोथ बहुत अच्छी है, हमारी दूसरी इंजीनियरिंग गुड्स की ग्रोथ भी जो है उसमें काफ़ी वाज़े फ़र्क आया है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि हम इन चीज़ों को अगर राइट ट्रैक पे लेके चले जाएं, लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिल जाए कि ये गवर्नमेंट जो है वो एक कंटिन्यूशन ऑफ गुड पॉलिसीज़ जो है वो करती रहेगी, तो जिसका इन्होंने इजहार भी किया है, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ओपनिंग स्पीच में असेंबली के अंदर बिल्कुल कैंडिडली कह दिया था कि जी वी आर वर्किंग फॉर द पीपल एंड वी विल कीप ऑन वर्किंग फॉर द पीपल, और उन्होंने तमाम सेगमेंट्स को दावत दी कि आए हम मिलकर इस पाकिस्तान को बनाएं और एक बेहतर पाकिस्तान की बात करें। right. तो ये लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है, लोगों की वाइब्रेंसी भी आ गई है, और जब भी नई गवर्नमेंट आती है जाहिर है बहुत सारे हिमायती भी गवर्नमेंट के होते हैं, और लोगों ने इस गवर्नमेंट को वेलकम किया बिजनेस कम्युनिटी में। मैं समझता हूँ कि एक वेलकमिंग नोट दिया कि डॉलर भी जो है वो अप्रिशिएट हुआ, स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ी है, और बाकी मार्केट्स में भी एक वाइब्रेंसी आ गई है कि काम नजर आ रहा है आगे। पॉइंट टेकन सर। शमसुल इस्लाम साहब से पूछना चाहेंगे। शम्स साहब, अब क्लैरिटी भी आ गई है, और देखा यह जा रहा है कि अगर थोड़ा सा ये गवर्नमेंट की बात की जाए तो शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लेते ही कुछ ऐसी अनाउंसमेंट जिसमें सैटरडे जो है वो ऑन कर दिया गया, और अब बोला गया कि स्पीड पंजाब नहीं स्पीड पाकिस्तान होगा पूरा, इस टाइप के भी स्लोगन्स देखे गए हैं, तो व्हाट यू से अबाउट दिस कि अब जितना एक एनर्जेटिक एक एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस देखी जा रही है, तो क्या हमें फ्यूचर स्ट्रेटजी या प्लानिंग मिलने वाली है?
देखें जी, जो अभी आप बात कर रहे थे कि गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान की क्यों हर दफ़ा जो है इकॉनमी एकदम सफ़र करती है और क्यों इतना स्टॉक एक्सचेंज गिर जाते हैं और रुपया गिर जाता है, उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल्स जो है इतना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके और इकॉनमी जो है स्पेकुलेशन पर ज़्यादा चली जाती है और उसमें आपको पता है कि आप 100% आपने कंप्लाइंस नहीं किया हुआ, आपके टैक्स पेयर्स इतने ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग जिनके पास अनटैक्स अमाउंट होता है जो मार्केट से बाहर बैठे होते हैं वो एक हैवक क्रिएट करते हैं और वही वजह है कि रुपए में एक बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हुई। उसमें कुछ ऐसी भी थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी बुकिंग की क्योंकि आगे लग रहा था कि डॉलर बढ़ेगा, तो जो इंडस्ट्री चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, उसको अपनी इंपोर्ट के लिए जो है डॉलर की बुकिंग करनी होती है, वो वजह हुई। लेकिन साथ ही जैसे ही हुकूमत का ये जो गैर सियासी जो जो गैर यकीनी की सूरत खत्म हुई और हुकूमत चेंज हुई तो आपने देखा कि वेलकम एड्रेस किया उसने मार्केट ने और फिर वापस पॉजिटिव पे आ गई। अब जी नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मज़ार क़ायद पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं। अपनी आमद के फौरी बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी है। आप ये मनाजर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों के क़ायदीन के हमराह वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मज़ार क़ायद पर मौजूद हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुसाफा कर रहे हैं मुख्तलिफ अरकान से और ये मनाजर आप देख सकते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की स्क्रीन पर। अली असगर अरबाब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। अली असगर अरबाब, ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मज़ार क़ायद पर मौजूद हूँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त बाबा कौम क़ायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर हाजिरी देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और इसके साथ साथ जो है एमकेएम और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी भी जो है रहनुमा भी मौजूद हैं और अब वज़ीर आज़म जो है थोड़ी देर के बाद जो है हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पहुँचे हैं। थोड़ी देर के बाद जो है वो बाबा कौम क़ायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर हाजी देंगे, फूल चढ़ाएंगे और फातह पढ़ेंगे और उसके बाद मेहमानों की किताब में दर्ज तासरात दर्ज करेंगे। तो इस वक्त जो है तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखते होंगे और अब बाबा कौम की मज़ार पर हाजिर देने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो पहुंच चुके हैं और अब वो हाजिर देंगे। अब जो है पाकिस्तान नेवी का ठीक है अली असगर अरबाब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। इस फिल वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मज़ार क़ायद पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तमाम तर इत्तेहादी जमातों के क़ायदीन के हमराह मज़ार क़ायद पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमराह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और इसके अलावा खाकान अब्बासी और मरियम औरंगज़ेब और दीगर एहसन इकबाल मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमराह आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक इंतहाई मसरूफ दिन गुजारेंगे। फिल वक्त वो मौजूद हैं मज़ार क़ायद पर। अपनी आमद के फौरी बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी है। इस वक्त मज़ार क़ायद पर फूल चढ़ाने की लम्हात और मनाजर आप देख सकते हैं। अली असगर अरबाब, आप हमें सुन सकते हैं? जी नाज़रीन, आपको बताएं कि मज़ार क़ायद पर फिल वक्त फूल चढ़ाए जा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दे रहे हैं। इस वक्त मज़ार क़ायद पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। इत्तेहादी जमातों के क़ायदीन भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमराह हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी वज़ीर आज़म بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين जी नाज़रीन, ये लाइव मनाजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद है। मनसब संभालने के फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची में हैं और इस वक्त मज़ार-ए-क़ैद पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई है। इससे कबल फातह खानी की गई। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मज़ार-ए-क़ैद पर फूलों की चादर चढ़ाई है। इस मौके पर फातिहा खानी भी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के क़ायदीन के हमरा इस वक्त मज़ार-ए-क़ैद में मौजूद हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अली असगर अरबाब से, जो इस वक्त मज़ार-ए-क़ैद पर मौजूद हैं। जी अली असगर अरबाब, आपके पास क्या तफसीलात हैं मज़ीद? देखिए, इस वक्त जो है वज़ीर साहब मोहम्मद शहबाज शरीफ मेहमानों की किताब में तफसीलात दर्ज कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने बाबा कौम कायदे से मोहम्मद जनाह की मज़ार पर हाजिर दी, फूल चढ़ाए और फातह खानी कही और इस वक्त सलामी दी गई और बिगल बजाया गया। तो वज़ीर साहब मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो
उनका ये पहला दौरा है और अपना मंसब गुज़श्ता रोज संभालने के बाद आज दूसरे रोज जो है वो कराची पहुंचे हैं और कराची पहुंचने के फौरन बाद वो बाबा कौम कायद असम मोहम्मद अली जनाह की मजार पर हाजिर देने के लिए अब यहाँ पहुंचे हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बाबा कौम कायद असम मोहम्मद अली जनाह की शख्सियत और उनके उसूलों से कितनी वालाना मोहब्बत रखते हैं। तो ये आपको आप ये भी बता चलूँ कि वज़ीर आज़म के हमरा एम क्यू एम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम यून और दीगर जो साथी जमातों हैं जमातें हैं उनके रहनुमा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। और इससे पहले जब वो पीएफ बेस एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वज़ीर आज़म मुराद अली शाह साहब ने उनका इस्तकबाल किया और उसके वहाँ से वो हेलीकॉप्टर के जरिए जो हैं यहाँ पर बाबा कौम की मज़ार पर पहुँचे हैं और उन्हें मज़ार पर हाजिर दी है। तो आपको बता चलूँ कि बाबा कौम की मज़ार पर हाजिर देने के बाद जो हैं वो वज़ीर आला हाउस जाएंगे और वहाँ पर जो है मुख्तलिफ इजलास में उनके करेंगे और पाकिस्तान और जो इतिहादी जमातें हैं उनके रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो बाबा कौम कायद असम मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मज़ार क़ायद पर मौजूद हैं। इससे कबल मज़ार क़ायद पर फातिहा खानी की गई वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से और फूलों की चादर चढ़ाई गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मज़ार क़ायद पर मौजूद हैं। उन्होंने हाज़िरी दी और इस अज़म का इआदा किया कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के वज़ा करदा सुनहरी उसूलों की पैरवी जारी रखी जाएगी। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तमाम तर इत्तेहादी जमातों के कायदीन के हमरा मज़ार क़ायद पर इस वक्त मौजूद हैं और फ़िलवक्त वो मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि मनसब संभालते ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा कराची है। आज मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। ये मनाजर आप देख सकते हैं मज़ार क़ायद से। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मज़ार क़ायद पहुँचे जिस पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मज़ार क़ायद से रवानगी के ये मनाजिर हैं। मरियम औरंगज़ेब तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब अरकान असम्बली शाहिद खाकान अब्बासी खालिद मकबूल सिद्दीकी मौलाना असद महमूद के अलावा मिफ्ता इस्माइल अकरम दुरानी और मुतालिक आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के कराची पहुँचने पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मज़ार क़ायद पर फातिहा की गई, फूलों की चादर चढ़ाई गई और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए गए। नाज़रीन आपको बताते चलें कि इत्तेहादी जमातों के कायदीन के हमरा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मज़ार क़ायद में मौजूद हैं। ये मनाज़र आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर। जी नाज़रीन आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची में हैं जहाँ उन्होंने मज़ार क़ायद पर सबसे पहले हाज़िरी दी है। नाज़रीन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है और खुदा करे कि ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहे और जो हमारा एक निचला तबका है या मुतवसत तबका है उसको जो है वो एक रिस्पाइट मिल जाए, वो अपनी अपना गुजर बसर जो है वो आराम से बाइज्जत तरीके से माशरे में कर सके। राइट शम साहब, यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट की कि मिनिमम वेज जो है वो ये होनी चाहिए और सैटरडे जो है वो ऑन होना चाहिए, तो बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से जो है वो थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स देखे गए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब की भी ट्वीट आती है, उन्होंने कहा कि आपने अच्छे से जो है वो प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे क्योंकि मार्केट भी अप हो गई है, इकॉनमी भी कॉन्फिडेंस में आ गई है और एक अच्छे नंबर्स भी आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये इतने से मिनिमम वेज को यहाँ पर टैकल करते रहेंगे इन मसाइल को, या फिर ये कुछ अब बड़ा करेंगे और अपने एक्सपोर्ट्स पर और अपनी पे ध्यान देंगे? देखें जी, पहली बात ये कि मैं उस थॉट क्लब से हूँ कि जहाँ पर जो मैं देखता हूँ कि डेवलप कंट्री में अगर मिनिमम वेजेस का नहीं लगाया गया
तो पाकिस्तान इसको क्यों फॉलो करता है? पाकिस्तान में ऑलरेडी आपकी वेजेस बहुत ज्यादा है, अगर आप एक मजदूर को देखें तो 1000 रुपए से कम कोई मजदूर नहीं मिलता। डेली वेजेस वालों को भी तनख्वाह ज्यादा मिल रही है और जो स्किल्ड लोग हैं उनको भी मिल रही है, अनस्किल्ड को भी मिल रही है। इशू ये आता है कि अगर आपने कम्पीट करना है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में आपके 40% के करीब SMEs जो है वो काम करते हैं, और SME वो है जो एक ओनर भी है और वो मजदूर की जितना ही कमा रहा होता है। आप दुकानों को देखें, आप छोटी फैक्ट्रियों को देखें, कॉटेज इंडस्ट्री को देखें, तो उसके लिए आपको जो है आप एक माहौल ऐसा क्रिएट करना होता है कि जब जहां आपकी यूटिलिटी की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बिजली आपकी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, गैस आपकी महंगी हो गई, पानी पकड़ा बहुत ज्यादा महंगा हो जाए, तो उस पर फिर इंडस्ट्री जो छोटी इंडस्ट्री है उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ी इंडस्ट्रीज लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके पास बड़ा वो होता है, उनके अरेंजमेंट होती है, वहां पर वो कर सकते हैं, लेकिन वो जो छोटे जो आपके बिल्कुल SMEs हैं उनको आप कहाँ से करेंगे? जो आपकी बैकबोन है, जो आपका हर बड़ी इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ बना के दे रहे होते हैं, तो उसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही आपको जो है महंगाई को कम करने के लिए अब आपके पास अब जो आए हैं सिचुएशन ऐसी मिली है कि इनको कैश 21 की सिचुएशन मिल गई है। अगर ये लोगों को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बिजली सस्ती रखना चाहते हैं, पेट्रोल सस्ता रखते हैं, गैस सस्ती रखते हैं और महंगाई में कमी करने के लिए सब्सिडीज देते हैं, तो आपकी दूसरी तरफ इकोनॉमी का शिप जो है वो सिंक होने की उस पोजीशन में और उसको बेहतर करते हैं तो लोगों को परेशानी होगी। तो अब गवर्नमेंट का टाइम भी तो आउट ऑफ द बॉक्स साल ही दिखाई देते हैं ना, साल डेढ़ साल भी एक गरीब आदमी के लिए तो एक हफ्ता महीना गुजारना भी मुश्किल है। आपको करेक्शन करनी होगी आउट ऑफ द बॉक्स। पहली बात ये कि आपने जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को बुलाया, आपको वो जो इंडेक्स बुक है ना जो पुरानी माजी से चली आ रही है और वही ब्यूरोक्रेट्स उनको बुलाते हैं, उसको चेंज करना होगा, क्योंकि वही लोग बंच जो बैठता है पिछली गवर्नमेंट में जो बैठा था वही अगर इसमें भी आ गए तो उनका माइंडसेट चेंज नहीं है। आपके पास ज्यादातर मैंने एक्सपर्ट्स देखे कि वो आते हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे होते हैं, जिन्हें कभी कारोबार ही नहीं किया, तो उनको क्या पता होगा कि प्रैक्टिकल इकोनॉमी क्या है। प्रैक्टिकल इकोनॉमी के लिए आपको मार्केट से लोग लेने होंगे, एक्सपर्ट्स लेने होंगे। इस वक्त आपकी महंगाई आपकी सब्सिडी देने से नहीं खत्म होगी, आपको करेक्शन करनी होगी। पाकिस्तान में जब से ये जो आपका जो आया था कि बैंक में अकाउंट खुलेगा तब जब NTN नंबर होगा, लोगों ने मार्केट में ले जाके आपकी होर्डिंग कर दी स्टेपल की, किचन स्टेपल आप देखिए तो उसके अंदर सट्टा हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप्स बन जाते हैं, वो सट्टा कर रहे होते हैं, चाहे वो घी ले लें, आप तेल ले लें, चीनी ले लें, तो उनको करेक्ट करने के लिए शहबाज शरीफ के साहब के पास ऐसी है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर बड़े स्ट्रांग हैं और वो ऑन द स्पॉट पहुंच जाते हैं। उनको चाहिए अब वो जो वेयर हाउस भरे पड़े हैं, जो जखीरा अंदोजी की गई है उसको कंट्रोल करें ताकि जो मार्केट में स्टॉक्स जो अली साहब ने भी अभी जिक्र किया कि हमें माफियास के खिलाफ खड़ा होना होगा, वो जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर एड्रेस नहीं हो सका था। चीनी पिछले सीजन में आपने देखा नवंबर में 150 पे गई थी, अभी चीनी जो है आपकी 2 मिलियन टन सरप्लस हुई है, लेकिन चीनी में फिर तेजी आ रही है। तो इसको मेरा एक हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप बात कर रहे हैं ना राइट, वो उसको इस तरह से मैं ले रहा हूँ कि चूंकि गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंट ने जो है वो कैश फ्लो के मामले में इंडस्ट्रियलिस्ट को इतना अमीर कर दिया कि उन्होंने 3 मुख्तलिफ किस्म के लोन्स दिए, जिसमें FATF के लोन भी शामिल है, जिसमें टफ का लोन भी शामिल है और ये और रीफाइनेंस भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलाकर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जो है वो कैश फ्लो जो है वो बहुत बेहतर हो गया। जब कैश फ्लो आपके पास बेहतर हो जाता है तो फिर एक टेंडेंसी आती है कि आप होल्डिंग करना शुरू कर देते हैं, आप माल को मार्केट में अपनी मर्जी से निकालते हैं और ग्रुप्स बन जाते हैं। जब माल को आप अपनी मर्जी से निकालेंगे और आप देखेंगे कि आज मार्केट में नीड है तो आपने 5 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये जैसी मार्केट की सर्कमस्टांसिस हैं अपने रेट बढ़ा के माल निकालना शुरू कर दिया, तो ये मार्केट में जो है वो तेज़ी की बात आ जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं तौर पे डेली कंजम्पशन वाली, और इस कैश फ्लो की वजह से जो है वो इनको रहा कि वो 2 महीने भी माल स्टोर कर ले तो उनको कुछ नहीं जाता कि वो 2-3% पे गवर्नमेंट ने लोन तो दे दिया है और 10% का प्राइस इंक्रीज मिल जाता है। यही तो एक बात थी कि जिसको देखना था कि इस एक्सेस कैश फ्लो का जो है वो मिसयूज़ हुआ, और मिसयूज़ होने की वजह से बजाय इसके कि नई इंडस्ट्री हम बहुत बड़ी तादाद में लगाते, हमने जो एग्जिस्टिंग हमारे पास गुड्स इन प्रोसेस थे उनको जो है वो होल्ड करके रखा, जिसकी वजह से मार्केट में चलिए सर पॉइंट आउट तो चीजें हो जाती हैं, लेकिन इनके सॉल्यूशंस क्या हैं सर, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? शम साहब आपसे ही पूछूंगी, पहले अहमद साहब से बता दूं। देखिए सोल्यूशन ये है कि हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए जहां बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद हो कि जी ये हम जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के साथ अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम जो कंसंट्रेशन हमारा होगा वो क्वांटिटीज़ पे होगा, ना कि हम इस बात पे देखें कि हम कितनी क्वांटिटी अपने पास जो है वो होल्ड बैक कर लें और कम प्रोडक्शन करें। नहीं, हम प्रोडक्शन ज़्यादा करें, हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एक तो मार्केट कंजम्पशन हमारी बहुत है, 23-24 करोड़ के आवाम जो है उसका एक बहुत बड़ा कंजम्पशन है, फिर पाकिस्तान के पास चाइना की सूरत में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और चाइना की मार्केट जो है वो पाकिस्तानियों के लिए ओपन अप हो रही है, वहाँ एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे हैं हमारे, और मैं समझता हूँ कि पहला जो एड्रेस था जिसमें सीपैक को रिवाइव करने की बात की गई, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी विन विन पोजीशन है कि right. पाकिस्तानी बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे कि सीपैक जो है वो अपनी सही डगर पर फुल स्पीड के साथ आ जाए। शम साहब से भी पूछना चाहूंगी, शम साहब गवादर के ऊपर भी काफी क्वेश्चन मार्क्स थे कि काम नहीं हो रहा है, वहाँ के जो फिशरमैन है वो भी सवाल कर रहे थे, एक इश्यूज का अंबार लगा हुआ था। अब आप क्या समझते हैं, जैसे कि चिनॉय साहब ने ये पॉइंट आउट किया है कि आपके पास भी कोई सोल्यूशन है, और है तो प्लीज हमारे साथ शेयर भी कीजिए, और दूसरा ये कि गवादर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइए। देखिए जी, गवादर आपका फुल फ्लैज उस वक्त कामयाब होगा जब वहाँ पे पानी पीने का मुहैया हो, वहाँ पर बिजली सस्ती हो। आज अगर वहाँ पे बिजली महंगी है तो वहाँ इंडस्ट्री कैसे लगेगी। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि हम अगर जिस स्टेट ऑफ इकोनॉमी में इस वक्त खड़े हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच में तो कह दिया कि हम इन सारे प्रोजेक्ट्स को तेज़ करेंगे, लेकिन हमारे पास गुंजाइश नहीं है। आप फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ता चला जा रहा है, आपने अगर इकोनॉमी को सही करना है तो कॉन्ट्रैक्शन तो करनी पड़ेगी, साथ ही वो कैश फ्लो जो आपका एक तो स्टेट बैंक की वजह से जो ऑफिशियल आपका आ रहा था वो बहुत बढ़ गया, उसको कंट्रोल करना होगा। साथ ही जो मार्केट में जो पैरेलल आपकी जो ग्रे इकोनॉमी जो है, आपकी जो पैरेलल इकोनॉमी है, उसके अंदर जो कैश पड़ा हुआ है उसको आपको किसी तरह से डॉक्यूमेंट करना होगा। वो आपको वो बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग है, और आपके मैं कहता हूं कि होल्डर इसमें कोई मैन्युफैक्चरर इतना बड़ा होल्डर नहीं होता, क्योंकि उसको तो बुक अपनी मेंटेन करनी है, लेकिन जिसके पास जो टैक्स नेट में ही नहीं है, जिसके पास अगर अरबों रुपए का कैश पड़ा हुआ है लेकिन वो डॉक्यूमेंट टैक्स जो भरता है तो वो हजार रुपए दिखा के अपना एनटीएन नंबर डिस्प्ले करता है, ये चीजें हैं जो डिस्टॉर्शन क्रिएट करती हैं। आपको पोर्ट को अगर डेवलप करते हैं तो वो तो ऑलरेडी चाइनीज के पास है, उसके अंदर तो पाकिस्तान का सिर्फ 9% शेयर हमें रेवेन्यू में मिलेगा जो भी है, और अभी तक वहां पर कार्गो की इतनी मूवमेंट नहीं हो सकी। कुछ शेप हमने कराची के डाइवर्ट किए थे गवादर में, तो वर्केबल उसकी फिजिबिलिटी आप देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम्बन टोटा जैसा पोर्ट वाला अंजाम वहां पर हो जाएगा। श्रीलंका में जो पोर्ट मटाला एयरपोर्ट बनाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर भी ऐसा हो जाए। हमें उनको देखने के लिए पहले जो आपको एनर्जी का जो आपकी जो कॉस्ट बहुत बड़ी हुई है उसको कंट्रोल करना होगा, और सस्ती एनर्जी दें, और फिर वहाँ पर जो जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वहाँ के लोगों की, क्योंकि अगर आप पूरा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया और वहाँ पर अगर पीने का पानी नहीं होगा तो फिर वहाँ पर कौन इंडस्ट्री जाके लगाएगा। तो ये देखना पड़ेगा, हमें अपने विजडम जो है पाकिस्तान फर्स्ट की प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी, और आपको ऐसे प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देनी होगी जिससे हमें कुछ कमा सकें। बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट माजी में हुए जिसके अंदर से फॉरनर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग जो हैं कमा के और रेमिटेंस भेज रहे हैं, वो भी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस क्रिएट कर रहा है कि इंश्योरेंस अगर की हुई है तो उसका प्रीमियम भी पाकिस्तान डॉलर की शक्ल में गैर मुल्की इंश्योरेंस कंपनीज को दे रहा है। तो ये आपके इंटरेस्ट में नहीं थे, आपको बेहतर करने के लिए पहले तो आपने देखे थे इस वक्त जो हालात हैं बहुत ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा, आपको अपने खर्चे खर्च करने पड़ेंगे, ऑस्टेरिटी मेजर लेना पड़ेगा। आप इतनी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि लोगों को जो है रिलीफ देने के लिए, आप पॉलिटिकली तो वाह वाह करा लेंगे लेकिन आपकी इकोनॉमी बुरी तरह से सफ़र करेगी। उसको ठीक करने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी, और ख़ास तौर पर महंगाई का देखें, महंगाई नंबर वन के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो हमारे सिराज मरहूम तेली साहब जो है वो हमेशा से कहते आए कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब आपकी बात कर रहे थे ना कि पहले के क्यों एकदम से डॉलर नीचे गिर जाता है, स्टॉक गिर जाता है, ये वही वजह है कि इकोनॉमी की जो पॉलिसीज बनती हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं डिसाइड की जाती, लॉन्ग टर्म नहीं होती है, उनके पास कोई ऐसा होता नहीं कि आने वाली कोई नई गवर्नमेंट को चेंज ना कर दो, इस वजह से अनसर्टिनिटी होती है। अगर वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो जाती है और साथ ही वो आपके इकोनॉमिस्ट जो आपकी इंडिजिनियस इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी अप्रोच यहाँ की है, जो यहाँ से पढ़े हुए हैं, जिनको पता है कि यहाँ काम कैसे हो रहा है, और साथ ही जिनको प्रैक्टिकल नो आव है, उनकी इनपुट लेके काम करें, आप बेहतर हो जाएगा पाकिस्तान। चिनॉय साहब, लास्ट नोट, क्या अब मेजर्स हैं जो फौरी तौर पे होने चाहिए, जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने दो इनिशिएटिव तो आते ही ले लिए, एक सैटरडे की छुट्टी को बंद किया और दूसरा ये कि मिनिमम वेज आगे कर दिए, इसके बारे में प्लीज बताइए कि लास्ट जो कोई मेजर ऐसा होना चाहिए जो अभी फिल फॉर लेना चाहिए। फिल फॉर मेजर जो है वो हमारे इम्पोर्ट्स को मैनेज और कंट्रोल करें। हमारे इम्पोर्ट का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हम 7 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पर मंथ पे जा रहे हैं, और 7 बिलियन से अगर ऊपर चले जाएं और एक्सपोर्ट्स हमारी 3 बिलियन डॉलर के करीब हो तो ये 4 बिलियन डॉलर का डेफिसिट बहुत बड़ा है। गो के मैं समझता हूँ कि 2-3 बिलियन डॉलर 2-2.5 बिलियन डॉलर जो है वो हमारे रेमिटेंसेज में आ जाते हैं पर मंथ, लेकिन वो भी ना काफ़ी हैं कि ये ट्रेड डेफिसिट जो है ये अगर बढ़ता गया तो जो हमारे रिजर्व्स हैं वो भी डिप्लीट होते जाएंगे, और इस वक्त जो हमें क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है आगे जाके वो भी नज़र आ रहा है। एक जो एक बहुत ही ग्लैरिंग बात आ रही है जो मीडिया में आ रही है कि जी 22 बिलियन डॉलर जो है वो पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई है, जो मैं समझता हूँ सही नहीं है, उसकी एक नेशनल लेवल पर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि 12 बिलियन डॉलर जो है वो रिजर्व्स छोड़ के गए हैं, और वहीं से जो है, और वो भी वो रिजर्व्स हैं कि जो 3 दोस्त ममालिक ने हमारे अपने रिजर्व शो करने के लिए दिए हुए हैं जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें हकायक जो है वो कौम को जरूर बताने चाहिए, पॉलिटिकल
अकाउंट की वजह से भी एक ऐसा जी बिल्कुल मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं ये भी कहता हूँ कि अच्छी बात है तो वो भी आनी चाहिए और ख़राब बात है तो वो भी जो है वो नज़र आनी चाहिए, कौम को हकाइक बतानी चाहिए। और रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उसका कोई विड्रॉल नहीं है बल्कि उसमें $4 मिलियन की जो है वो अमाउंट आ चुका है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच शम साहब, आपने ज्वाइन किया है। एमएच चुनाई साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को इसी नोट पे जो है वो वाइंड अप करते हैं। होप कि आज जो टॉपिक्स थे वो वेल डिस्कस हो चुके हैं। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।